पार्वती की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों में खासा आक्रोश है। फिरोजाबाद के मोहल्ला आसफाबाद वार्ड नंबर 22 में बीती रात 12 बजे प्राचीन मठ वाले शिव मंदिर में रखी शिव पार्वती की मूर्ति को असामायिक तत्वों के लोगों ने किया खंडित। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस शिव मंदिर पहुंची और जांच में जुट गई। सूचना मिलते ही भाजपा नेता पूर्व महानगर अध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता एवं भाजपा महिला मंडल महामंत्री रश्मि शर्मा ने बताया कि बीती रात प्राचीन शिव मंदिर में रखी शिव पार्वती की मूर्ति को खंडित कर दिया। मौके पर सीओ सदर थाना रसूलपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर भगवान से पार्वती की खंडित मूर्ति हटाकर नई मूर्ति लगाई जा रही है। वार्ड नंबर 22 से भाजपा पार्षद सुरेश दिवाकर ने बताया कि बीते रात असामायिक तत्वों के द्वारा से पार्वती की मूर्ति को खंडित किया गया, वो बड़ी निंदनीय घटना है। इलाका पुलिस ऐसे असामायिक तत्वों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजे। सौराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। सर, ये मंदिर का क्या मामला है और किस तरह से आना हुआ आपका? देखिए, ये मठ मंदिर है, यहाँ पर मेला भी लगता है, यहाँ पर शिव परिवार की मूर्ति काफी वर्षों से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा स्थापित थी। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा आज रात्रि में शिव परिवार की प्रतिमा को खंडित करने का दुष्कर कार्य किया। ये अपना अशोभनीय निंदनीय कार्य है। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस घटना का पटाक्षेप शीघ्र दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मूर्ति की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा पुलिस प्रशासन से मिली है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पुनः होगी, लेकिन दोषी भी पकड़े जाए ये प्रमुख कार्य है। मैं पुलिस प्रशासन से, यहाँ के जिला प्रशासन से इस बात की मांग करता हूँ कि शीघ्रता से कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कठोर से कठोर कार्रवाई की। ये किस थाने के क्षेत्र में आता है? ये थाना रसूलपुर का मामला है, थाना रसूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत। पुलिस के पास तैयारी दे दी गई है, पुलिस को सूचना है, पुलिस आगे बढ़ी है, पुलिस ने इसमें बहुत तेजी से कार्य भी किया है और दूसरी भी दूसरी प्रतिमा भी दूसरी आ चुकी है। अभी पुरानी प्रतिमा खंडित यहाँ से निकाली जा रही है और नई प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, ये विशेष कार्य। अच्छा, ठीक, क्या लगता है कि ऐसे लोग कैसे होंगे जो देखिए, ये वो लोग हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या जिनकी अपराधी मानसिकता है, जो समाज में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते रहते हैं कि सामाजिक लोग परेशान बने रहे, लोगों की मानसिक भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत होती रहे, ये ऐसे लोग हैं और इन लोगों की मानसिकता को खुचला जाना बहुत आवश्यक है। जी, आपके क्षेत्र का मामला है ये मंदिर प्रांगण में, ये क्या मामला है? ये पूरा ये किसी अवैध का मामला है, ऐसे लोग समाज के अंदर मूर्तियाँ फैलाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि मूर्ति हम तोड़ेंगे और कोई और लेकिन ऐसा जरूर पाएगा, अपराधी जब ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर प्रशासन जो है और मतभेद है लगाई जा रही है, मैं अपराधी किसी भी कीमत में नहीं है और किसी भी तरीके से बारीकी से उसकी जाँच करें, ये हमारे आदेश है कि अपराधी को बर्खास्त करें। पास जी, आपके क्षेत्र का मामला है, तो लगभग कितने बजे मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है? ये मूर्ति को मेरे ख्याल में तो ऐसा आ रहा है कि सभी लोग सो गए हों तो 12 बजे सभी लोग सो जाते हैं, जब ये सब कुछ है। मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। किस तरह का घटना हुई है मैडम, यहाँ किस वार्ड में हुई है और किस क्षेत्र में हुई है? ये हमारे 22 नंबर वार्ड में आसफाबाद क्षेत्र में शांतिनगर के अंतर्गत मठ मंदिर बोला जाता है, काफी प्राचीन मंदिर है हमारे यहाँ का, जहाँ प्रतिमा को खंडित किया गया है और इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी व्यक्ति ने इस तरह का कृत्य करके अपने लिए ही आपत्ति को बुलाया है, उसका आह्वान किया है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई सख्त से सख्त और जल्द से जल्द नहीं होती है तो हम कार्यकर्ता होने के साथ साथ से भक्त भी हैं और यहाँ तांडव होगा और जिस विनाश को कोई नहीं बचा पाएगा। पुलिस क्या संज्ञान ले रही है इस मामले को? सभी प्रशासनिक कार्रवाई इसमें हो रही है, पुलिस हमारे प्रभाग हमारे साथ में है और वो जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। उससे पहले हम मूर्ति को लाकर यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे कि ये प्रतिमा है इसको हटाकर, जो मूर्ति प्रतिमा है इसको हटाकर का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद में तुरंत ही कार्रवाई होगी, प्रशासन हमारे साथ है, यदि इसमें विलम्ब होता है तो तांडव को अमन नहीं होगी, उसका आह्वान होगा। जय शिवाय।